पटना रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन में, और इस रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने के तुरंत बाद सबसे पहली चीज जो आपको नजर में आएगा वो है ये साइन बोर्ड। और ऐसे टीवी में, हर एक टीवी में यही साइन बोर्ड आपको देखने को मिलेगा जिसमें ट्रेनों की लिस्ट है जो सारे कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हुए? क्योंकि आज भारत बंद की बुलावा था और उसी के लिए ये सारे ट्रेन कैंसिल किए गए। आप लोग कहाँ जाने का और आप लोग का ट्रेन का रिजर्वेशन था? हाँ। कौन सा ट्रेन? कोटा एक्सप्रेस। और ट्रेन का हालत क्या, अभी कैंसिल है कि चल? अभी जस्ट वो सुने कि रद्द हो गया। ट्रेन रद्द हो गया? हाँ। तो आप कितने देर से इंतजार कर रहे हैं स्टेशन? सुबह से 5 बजे। सुबह 5 बजे से? हाँ। ट्रेन का टाइम क्या था? 11:45। कौने 12? 11:45। हाँ। तो सुबह 5 बजे से लेके 11:45 तक, मैंने सुबह 5 बजे से लेके अभी तक आप वेट कर रहे हैं? और 11:45 का जो ट्रेन है अभी आपको मालूम चल रहा है कैंसिल? कैंसिल। क्या करेंगे? जाने रहे, मेरी बहन आ रही है, ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। कहाँ से आ रही है वो? बनारस से। अच्छा, वो ट्रेन समय पे है? हाँ, नहीं अभी वो ट्रेन समय पे नहीं। कितना लेट है? 1 आवर लेट है वो। अच्छा, और कहीं पे उनका कोई प्रॉब्लम हुआ रास्ते पे? हाँ, वो आ रही थी कर्नाटक से, वो पहले बनारस तक, उनको फिर 3 दिन का हॉल्ट लेना पड़ा बनारस में, उसके बाद फिर आना पड़ा पटना। अच्छा, वो 21 तारीख से एग्जाम था ना? अच्छा, एग्जाम भी कैंसिल हो गया है? तो एग्जाम कल से एग्जाम है, तो क्या होगा अभी? अब देखिए, एग्जाम कैंसिल कराने का साथ चल रहा है बात, अब देखिए क्या होता है। पर हम लोग अभी पता नहीं चला है, मतलब कैंसिल होगा या नहीं होगा। कैंसिल अगर नहीं हो तो फिर तो एग्जाम छूट जाएगा ना, इसलिए हम लोग घर जाके सोचते हैं, वहाँ से जो होगा बाइक से भी जा सकते हैं। बाइक से भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा से है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं बरेली से अक्सर आ रहा हूँ एग्जाम देकर, कल सुबह बनारस पहुँचा, वहाँ सारी ट्रेन कैंसिल रही, करीब 7 से 8 घंटा हमको बनारस में जैसे तैसे रहना पड़ा, फिर किसी तरह से पटना पहुँचा, रात भर पटना में जैसे तैसे रहा, और अभी मैं जा रहा हूँ पटना पहुँचता हूँ। तो जब मैं अकाउंट वहाँ इंक्वायरी में चेक कर रहा हूँ तो मेरी टिकट ट्रेन जो है वो कैंसिल मिल पा रही है। मैं बड़ी मुश्किल से यस्टरडे वो तत्काल में बुक करा था, क्योंकि मेरा अर्जेंट वहाँ जाना जरूरी है। जॉब कहाँ जा रहे हैं? मैं इंदौर जाने वाला था काम के लिए। जी, मैं वहाँ जॉब करता हूँ और मुझे अर्जेंट ज्वाइन करने थे। इंतजार कर रहे हैं 5-6 घंटे से। ये जो बता रहे हैं शाम को ट्रेन है? हाँ। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है, लेकिन क्या करेंगे, जाना ही पड़ेगा। मुझे प्रॉब्लम है, मुझे कल आज ही रिपोर्ट करना था, लेकिन मीटिंग कैंसिल होने की वजह से मुझे कल किसी भी हालत में पहुँचना, आज शाम इवनिंग तक मुझे किसी भी हालत में पहुँचना। अब देख रहे हैं कोई इवनिंग में ट्रेन रहेगी तो उसको पकड़ के जाएंगे। कैंसिल हो गई है, भारत बंद के चक्कर में कैंसिल हो गई, डॉन एक्सप्रेस फैजाबाद के लिए थी, जो कि काफ़ी दिक्कत हो रही है भारत बंद की वजह से, हम लोग को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब दिक्कत का तो पूछने कोई साधन ही नहीं दिख रहा है कि कैसे हम लोग घर जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब भारत बंद है, ये अग्निवीर वाला इस चल रहा है मैटर पूरे हिंदुस्तान में, उसी को चलते है सब दिक्कत। के मेरे पीछे हम पटना जंक्शन पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो बोर्ड है ये इंक्वायरी रूम है, और यहाँ पर किस तरह से सभी ट्रेनें रद्द दिखाई गई है। जितनी भी ट्रेनें दानापुर मंडल से दिल्ली या और दूसरे राज्यों के लिए जाती है वो तमाम ट्रेनें रद्द हैं। सबका लिस्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक एक करके लिखा हुआ है ट्रेनों के नाम के साथ, सभी जो सूचनाएं हैं वो दी गई है, ताकि जो भी पैसेंजर्स इंक्वायरी के लिए पहुंचे उनको यहाँ पर जानकारी मिल सके कि किस तरह से ट्रेनें जो हैं वो रद्द चल रही है।